फूड्स के भी नंबर्स आए और बिका जी फूड्स के नंबर्स में वैल्यू ग्रोथ भी दिखी और वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखी। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीपक अग्रवाल हैं और साथ ही सीएफओ भी हमारे साथ दीपक अग्रवाल मैनेजिंग डायरेक्टर है और ऋषभ जैन भी हैं सीएफओ हैं कंपनी के, दोनों से ही बात करते हैं। पहले एक बार चले ऋषभ से समझते हैं क्योंकि फाइनेंस का मैटर है, उनसे पहले एक बार समझ लेते हैं। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का ही ऑन द गुड नंबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले क्योंकि ऋषभ, हम एक बड़ा जो कंसर्न सारी एफएमसीजी स्पेस के लिए है वो ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रही है या नहीं मिल रही, बाजार बहुत कीनली इस ट्रिगर को देखना चाहता है और आपके यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ जो देखने को मिली है आप इसे किस तरह एनालाइज कर रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया। तो जो हमारे इस क्वार्टर की जो वैल्यू ग्रोथ है वो क्लोज टू 16% के आसपास है और जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो क्लोज टू 6.5-7% के आसपास है। इसमें हमें एक चीज हमें देखनी है, हमेशा सेकेंड और थर्ड क्वार्टर हमें एक साथ देखना चाहिए क्योंकि दिवाली बीइंग अ फेस्टिव सीजन, दिवाली दिस ईयर वॉज इन अक्टूबर, लास्ट ईयर वॉज इन नवंबर। सो हमें दोनों क्वार्टर जब देखते हैं तो हम ओवरऑल वैल्यू ग्रोथ जो है वो 25% किया है हम लोगों ने और जो आगे देखते हैं हम कमिंग क्वार्टर्स, तो जनवरी हमें हल्का सा स्लगिशनेस दिखा है डिमांड में ड्यू टू हैवी विंटर्स, बट हम आगे हम देख रहे हैं ओवरऑल हम ठीक डिमांड देख रहे हैं बिजनेस की, इस सेगमेंट की, फूड की। एब्सोल्युटली, वॉल्यूम ग्रोथ पर आपने जिक्र किया ऋषभ, आप दीपक से बात करते हैं। दीपक स्वागत है आपका। सबसे पहले डिमांड ट्रेंड जो है उस पर आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि अर्बन डिमांड जो है उसमें तो अच्छा एक्शन देखने को मिला है, लेकिन रूरल डिमांड भी क्या आपके कारोबार के लिए बढ़ती हुई दिखी है और आगे रूरल डिमांड में रिकवरी की कितनी अपॉर्चुनिटीज आपको नजर आती हैं? मैम, ये जो रूरल मार्केट है उसका डिमांड हमेशा बना रहता है, पर थोड़े अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन के रीजन से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो विंटर्स में ज्यादा चलते हैं, तो उसके रीजन से थोड़ी भी इन दिनों में ये डिमांड कम है। पर और ये सीजन और ये क्वार्टर जो है ये लीन पीरियड माना जाता है, दिसंबर और जनवरी, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे वेडिंग सीजन में कि भी मन लग गया, पर अब वेडिंग सीजन वापस खुला है तो वी आर वेरी श्योर कि अब वापस रूरल मार्केट से डिमांड काफी अच्छी आएगी। दीपक, आपसे एक सवाल होगा। एक्चुअली कई कम्योडिटीज़ के दाम फिर से बढ़े हैं, खासकर वीट के दाम हम देख पा रहे हैं कि 10 साल के हाई पे पहुंचे हैं, इससे मार्जिन्स पे कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले क्वार्टर्स पे? जैसे मार्जिन्स है तो अभी हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े डाउन होंगे, जो हुए भी, पर अभी इन दिनों में वापस रॉ मटेरियल प्राइसेस के हाइक हुए हैं, थोड़ी डिमांड ज्यादा है और बट आई एम श्योर गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज लेकर आ रही है, दे आर ओपनिंग द एक्सपोर्ट्स, दे आर ओपनिंग द इम्पोर्ट, तो उसके रीजन से हमें ये लगता है कि मार्जिन्स हमारे उतने स्लैश्ड आउट नहीं होंगे एंड हम लोग अपना सबसे बेस्ट ट्राई कर रहे हैं कि हम उतना मेंटेन करके चले। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज समझना चाहेंगे ऋषभ, जैसे से हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट दीपक से ही समझते हैं कि जो वीट प्राइसेस हैं वो 10 साल की ऊंचाई पर चल रहे हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है कि इससे फर्दर इम्पैक्ट आपके मार्जिन्स पर नेक्स्ट क्वार्टर में पड़ सकता है? क्योंकि वीट आपके लिए भी एक बड़ा कंपोनेंट है, रॉ मटेरियल कंपोनेंट है, आप मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करना चाहेंगे आगे? सो एक्सपोर्ट अभी हमारा काफ़ी छोटा है लेकिन हमारा फोकस काफ़ी हाई है, हम लोग एक फ्रोजन प्लांट लेके आ रहे हैं जो कि प्योरली एक्सपोर्ट फोकस लेके आ रहे हैं, तो आगे हम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 3% और 5% टारगेट कर रहे हैं हमारे ओवरऑल बिजनेस का नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। राइट, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई, लेकिन एक और चीज़ है एड एक्सपेंसेस जो कि जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि खर्चों में किस तरह के सेंटिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर की सिचुएशन क्या है और आपके कारोबार के लिए तो एड एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाते हैं। ड्यूरिंग द लिस्टिंग भी हमने देखा था कि एड स्पेंड्स में आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगाए थे, कंपनी की हाइएस्ट कॉम्पिटिशन के साथ एड स्पेंड्स को अगर कंपेयर किया जाए किस तरह के सेंटिमेंट्स आपको लग रहे हैं? हमने हमारे बुक्स में ये बजट पार्क किया हुआ है कि हम 1.5-2% के आसपास हमेशा ऐड बजट ऐड करेंगे और हम लास्ट 1.5 साल से हम ये कर रहे हैं, आगे भी हम इसको मेंटेन करेंगे। इससे काफ़ी फायदा हुआ है कंपनी को, काफ़ी कंपनी के ब्रांड इमेज को, ब्रांड परसेप्शन को काफ़ी फायदा होता है और डिस्ट्रीब्यूटर को काफ़ी हेल्प मिलती है स्टॉक ऑफटेक करने में। ठीक है,
मैं एक बार एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूँ जो कि रेवेन्यू ग्रोथ से जानना चाहता हूँ। ऋषभ, ये आपसे ही होगा मेरा सवाल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो डिक्लाइन हुई है, इसका इम्पैक्ट FY24 में कितना जाएगा आगे चल के? सो जैसे स्वीट सेगमेंट है, तो स्वीट इस बार दिवाली अक्टूबर 22 की थी, तो स्वीट की मेजर ऑफ टेकिंग जो है वो सितंबर मध में थी। इसीलिए आप दोनों क्वार्टर एक साथ देखते हैं, सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर, तो हम ओवरऑल 25% प्लस वैल्यू ग्रोथ पे बैठे हैं। एब्सोल्युटली। और इनफैक्ट एक चीज ये भी जानना बताना चाहेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में हमने गिरावट जरूर देखी, लेकिन सालाना आधार पर ऑलमोस्ट 15-16% के अपमूव्स है, और इसी के चलते चलिए यहाँ पर सारे के सारे नतीजे जो है वो पॉजिटिव हैं, और आपके कारोबार के लिए आने वाले क्वार्टर्स पर भी आपको ढेरों शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट टू यू ऋषभ एंड दीपक का। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग विद अस। चलिए आगे बढ़ते हैं।